ही सारे गायनों को बांध के रखे तो इतना मुश्किल से चल रहा है, तो बहुत प्यारा दिखता है। तो अभी मैं जोजिला टॉप पे हूँ, ये जा रहा था वाह। So here I am. Once again, I started my journey, series of returning Ladakh. तो घर से जाके आके श्रीनगर से, अब मैं श्रीनगर से कारगिल की ओर निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:48, ऑलमोस्ट 7 बज चुका है। अब मुझको आज कारगिल से, यानी सॉरी, श्रीनगर से कारगिल की ओर जोजिला ओपन है और 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही अलाउ करेंगे। अभी भी खांसी है, सर्दी है, रिस्क नहीं लेना चाहता था तो एक दो दिन और एक्स्ट्रा रुका था, लेकिन फाइनली जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। मैं थोड़ा सा घर के बाहर आगे निकल के रिकॉर्ड किया। वो मैं अब छोटा सा रख का टुकड़ा रखा हूँ ताकि खांसी ना आए। श्रीनगर में ट्रैफिक क्यों होता है बहुत ज्यादा मालूम? देखो इतनी कारें हैं सब तरफ, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे। और रात में तो इस एरिया में, मतलब कहीं पर भी, श्रीनगर कहीं भी रात में जाने के लिए ना बड़ा डर लगता है। रात में दौड़ाते हैं, रात में सारे कुत्ते शेर हैं। तो बस यहाँ से मैं डल लेक होते हुए जाऊँ कि गुपकार, मैं क्या ऐसे डल लेक होते हुए जाता हूँ क्योंकि इस बहाने डल लेक का कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बर्नहॉल स्कूल है, यहाँ बहुत बैडमिंटन खेला हूँ, मज़ा आता था यहाँ बैडमिंटन खेलने आने के लिए, चाहे इंडोर में भी आउटडोर में भी, दोनों में बैडमिंटन खेला हूँ बहुत। ये कृष्णा ढाबा यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट के लिए। पसीना तो मुझे बहुत ज़्यादा निकल रहा था, ठंडा है मौसम, ठीक है, नॉर्मल है, ठंड नहीं है। यहाँ से चालू होता है डल लेक, तो कारगिल लेह उस रोड पे है, मतलब ये पूरा टर्न घूम के जाते हैं फिर वहाँ से सीधा ऑलमोस्ट दैट साइड। इवनिंग में वहाँ बहुत लोगों को देखा नहीं होता, इतने सारे टूरिस्ट अभी हो गए हैं और जैसा कुछ बन रहा है। हाँ रिसेंटली ये पूरे कचरे का ढेर था यहाँ, यहाँ भी सिक्योरिटी नहीं था यहाँ पर, और यहाँ भी सिक्योरिटी आ गया। तो यहाँ से मुझे लेनी है राइट, और राइट जाने के लिए यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, कहीं से भी कट नहीं है, मुझे घूम के आना पड़ेगा। अरे यार, ये रास्ता मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, यहाँ से अभी टर्न लूँगा, ये रास्ता जाता है हजरत बल, बस यहाँ से 200 मीटर दूर होगा हजरत बल एंड यूनिवर्सिटी। बस
बस यू टर्न लेके मतलब वहां से वेरिएशन है पूरा। यहाँ से गांदरबल 11 किलोमीटर है, बस यहाँ से लेफ्ट। कितने सारे कुत्ते हैं यहाँ पर, बेचारे गाय लोग को बांध के रखे, कितना मुश्किल से चल रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इतना बांधते कि उनका गला जो होता है वो सीधा रहता। हाँ तो यहाँ से मैं निकल के ये रास्ता जाता है सौरा के लिए, यहाँ से राइट लेके डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, यहाँ से राइट लेके बस हाईवे में आ गए हम। ये अखरोट का पेड़, बहुत सारे अखरोट हुए हैं। अच्छा है, रोड चौड़ा हो रहा है, ये भी काफी समय से ये पतला सा था। हम है अभी गांदरबल में, सभी तरफ सिक्योरिटी है और चिनार के दरख्त हैं बड़े बड़े। ये है ब्रिज, ये बहुत प्यारा दिखता है। ये जो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे वो बांदीपुरा जा सकते हैं, और सौरा से होते हुए भी जाते हैं इस रास्ते से। सोनमर्ग का एरिया शुरू हो गया है, यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। और ये सबसे खूबसूरत जो है ना जगह है, थोड़ा वर्ड नहीं मिल पाता है कहीं अब बोलने में। पहले तो मैं सोनमर्ग क्रॉस कर लूँ, उसके बाद फिर आराम से रुकूंगा, चाय कॉफी भी पीना है। चाय कॉफी क्या, कॉफी है, ब्लैक कॉफी बना के रखा था और वही पीनी है मुझे। नाश्ता भी किया नहीं, बिस्किट है। हाँ बहुत धूल है यार, ये है पश्मीना। गोट नहीं बोलते, पश्मीना बोलते, इसी से ही पश्मीना शॉल बनता है। इस रोड में पहली बार आया लेकिन ये रोड बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा है। यहाँ से लोकेशन भी अच्छा है, सोनमर्ग भी बहुत अच्छा दिखता है, मकान के साथ पहाड़ नदी। अच्छा ये बाईपास निकला है, अभी बना नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है इसका। अच्छा है, अच्छी रोड है। मैं आया हूँ बाईपास से, पुलिस चेक पोस्ट का है फिर ऐसे में, वो तो पीछे ही हुआ करता था, तो मतलब कोई पुलिस चेक पोस्ट नहीं है। तो मैं जोजिला टॉप पे हूँ, वैसे भी जोजिला स्टार्ट ही हुआ है, टॉप पे नहीं पहुँचा हूँ।
लेकिन ये लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं सोचा वो नीचे रिवर बह रहा है, यहाँ टॉप पे मैं हूँ साइड पे, हल्का सा साइड पे खड़ा होके कुछ अच्छा सा व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है जोजिला की खूबसूरती। हम चले अब आगे, अब कहीं नहीं रोकूंगा मैं, अब रोकूंगा सीधा जोजिला क्रॉस करके चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, ब्लैक कॉफी। अब गहरी खाई है भाई, देख भी नहीं सकता हूं क्योंकि अपना फोकस मैं नहीं हटाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर उधर देखने के चक्कर में इवन वो तिरछी नजरों वाला भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ अभी कर सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सामने जब कोई गाड़ी आती है ना तब करना बहुत मुश्किल होता है। वो जेब जा रहा है कहीं, आवाज़ सुनाई दे रहा है, जेट। मेरे ख्याल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि जब सामने से इतनी गाड़ियां आ रही हैं, चाहे आर्मी हो, ट्रक्स हो, तो फिर शायद नया सर्कुलर इशू हुआ होगा। कहीं रिस्क भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बर्फ भी नहीं है, रोड भी ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अगर होते तो फिर सामने से गाड़ियां नहीं आती, देखो वो सब्जी वाला या मुर्गी वाला जो भी है वो सामने से आ रहा है, तो डेफिनेटली वो वहां से आ रहा होगा कारगिल से। तो ये बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ रोड पे, वो ऊपर में क्या है। तो ये है आर्मी कॉन्वॉय और सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। क्या बात है, टूरी इतनी सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, क्यों ऐसा, रीजन क्या है। आखिर जाने दे नहीं रहे हैं या कॉन्वॉय है आर्मी का, इसीलिए तो कार बाइक को कोई मतलब मुझे कोई रोका नहीं, रोकेंगे तो रुक जाऊंगा, बाकी सारे कार सबको रोके हैं। आर्मी का कॉन्वॉय बहुत डेंजर है भाई, मतलब ऐसा है कि इनकी सनकी ना तो ये ठोकेंगे, मतलब ये जा रहे हैं, इनका अपना सिक्योरिटी है ना, पुलवामा के बाद तो और भी ज़्यादा, पुलवामा अटैक के बाद और भी ज़्यादा हो गया है।
इधर तो फिर भी ठीक है, श्रीनगर में ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। अभी कोई रोका नहीं, नहीं तो रुक जाता मैं भी। बहुत लंबा कॉन्वॉय है, सब तरफ रुके, उधर भी रुका, आगे भी रुके, क्योंकि ये मेन है जोजिला टॉप का, मतलब जोजिला इस रोड में सबसे टॉप ये है, यही है। बड़ा अच्छा सीन लगता है यहाँ पर। ये जा रहा है, वाह लंबा कौन है। अभी भी थोड़े थोड़े बर्फ पड़ी हुई है रोड पे, जाते वक्त एक चट्टान था बड़ा बड़ा, अभी है गंदा सा। जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक जाऊँगा, थोड़ा बैठूँगा कुछ देर, जो कॉफ़ी मैंने रखी है उसे पीऊँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। तो जहाँ तक भी जाने होता है वहाँ तक जाऊँगा। तो जहाँ तक का मतलब यहाँ तक भी अच्छा है। चलो बस जोजिला क्रॉस किया हूँ मैं, thank you।
कुछ बोले कुछ बोले। टायर पंक्चर हो गया, इन्फ्लेटर है आपके पास? फुट पंप है, बट आपके पास नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी? हाँ बिल्कुल नहीं है मेरे को पूरा सामान। चलो कोई नहीं, मेरा पूरा सामान निकालना पड़ेगा बस। चलिए चलिए मैं आ रहा हूँ। Sorry to waste your time. Nah, it's okay. I'm going. गाड़ी निकालनी है। एक मिनट। ये हमारा गाड़ी थोड़ा आगे ले। जी जी की गाड़ी घेरो। जी जी इकरा। Yeah, sure. No problem. Just wait a minute. Just keep inside. Otherwise, it won't be there. Football. Huh? Football. ट्यूबलेस है? ना ना नहीं है, सीलन है। अच्छा सीलन है, देन इज ओके। मैं ट्यूब लेके घूमता हूँ। बदलना किसको आता है? अब वही बात है, मैं कर चुका हूँ दो बार। ठीक बदल रहा है? हाँ खुद बदल रहा है। हाँ खुद खोल के। मैं रहता हूँ कारगिल में। यहाँ आप रहते हो कारगिल में? यहीं रहता हूँ। आसपास कौन हेल्प कर पाएगा ये सब? यहाँ तो वैसे भी आपको पंचर दुकान बहुत कम मिलते हैं, विंटर में तो मिलते ही नहीं है, सारे बंद होते हैं। ये तो चेक हो रहा है पूरा, ये तो ठीक है। हाँ? ये तो काम कर रहा है आगे। आगे काम कर रहा है। हाँ। लगे फर्स्ट टाइम ही यूज हुआ ये। नहीं नहीं तो यूज क्यों होता है? ये बहुत साफ है। बहुत साफ रहा। नहीं नहीं पोछ किसी रखता हूँ ना। आए हैं तो उनका इन्फ्लेटर से हवा भर रहा है, ट्यूब तो चेंज कर दिया। इसको ओपन करके ट्यूब चेंज कर दी। और ये है सीलन, ये सीलन फील्ड ट्यूब था लेकिन कोई काम का नहीं है। वन सजेशन, डोंट यूज द सीलन, यूजलेस। पंचर होने के बाद भी कोई काम नहीं। ओके देन टेक केयर, सेफ सेफ राइड। कारगिल में तो क्या है, अभी मैं हवा चेक करा लूंगा पेट्रोल पंप पे। अच्छा कारगिल, और फिर जरूरत पड़ी तो लेह में रॉयल एनफील्ड में सर्विस ही करा लूंगा। मेमोरियल लेह कहाँ पर है? द्रास मेमोरियल। हाँ। वो तो कारगिल से बहुत पहले है। आप जैसे द्रास टाउन क्रॉस करेंगे ना तो आप लेफ्ट साइड दिख जाएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय। ठीक है ब्रदर। तो ये थे
राइडर फ्रॉम महाराष्ट्र, हेलमेट उतार के खुला खुला बाइक वालों की हेल्प किया तो पसीना भी निकला, ठंडा भी लग गया, तो और थोड़ी सी खांसी हो रही है। बट एनी वे, अब दो घंटे में तो कारगिल पहुंच जाऊंगा, तो फिर पहुंच के आराम कर लेंगे। Of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead. ये है मीना मार्ग, मीना मार्ग लास्ट टाइम यहीं पर ही सर टेस्ट एंट्री करा ना। मीनामर में बस नाम बताना है और नंबर देना है, दस साल पहले कोविड के टाइम में ही कोविड टेस्ट होता था। बहुत सारे बाइकर्स हैं, कोई मनाली से श्रीनगर जा रहा है, और कोई लेह से श्रीनगर जा रहा है। और हम श्रीनगर से कारगिल जा रहे हैं, यानी मैं श्रीनगर से कारगिल जा रहा हूँ। बाजू में रिवर बहता है, मन तो करता है कि पूरा का पूरा वीडियो एक घंटे का बना के दिखाऊं, मतलब सारा रोड कट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस रोड में देखने के लिए पूरा सफर बढ़िया है। लेकिन फिर भी कौन देखेगा एक घंटा, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी स्किप करके देखते होंगे, इतना टाइम किसके पास है। ये वो कारगिल वॉर मेमोरियल मैंने बहुत बार देखा है, और ये भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीधे जाऊंगा। बाइकर्स की भीड़ है, कार वालों की भीड़ है, यस वो देखो कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में तो फोटो भी खींचने ना हो मुझे। सल्यूट टू ऑल वॉरियर्स जो अपने घर, अपने लोगों को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर इतने दूर आके रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके बाद शहीद भी हो जाते हैं। और इनसे एक चीज सीखा है आर्मी वालों से, गिव अप नहीं करना लाइफ में, जो पैशन है उसको आपको करना है, जो आपका कमिटमेंट है उसको आपको करना है, चाहे घर छूट जाए, चाहे अपने लोग छूट जाए, चाहे वो आराम की जिंदगी छूट जाए। तो ये मैंने आर्मी वालों से सीखा एक एग्जांपल के तौर पे, और खुदा ने मुझे सिखाया, और उसी वजह से भी मैं यहाँ इतने दूर रह पाता हूँ। ठीक है, कमिटमेंट है, पैशन है मेरा कि माउंटेन्स में रहकर यहाँ के लोगों के बीच में कुछ काम करूँ, सेवा करूँ,
और अभी तो सिर्फ अवेयरनेस का ही काम होता है, कुछ लोगों को ही थेरेपी दे पाता हूँ, बट इन फ्यूचर आई होप कि काउंसलिंग सेंटर ओपन कर सकूँ या किसी के साथ कोलैबोरेट करके किसी स्कूल को डेवलप कर सकूँ, स्पेशल एजुकेशन को। अभी काफ़ी कुछ करना है आगे, अपना पर्पस वो नहीं है, सेटल होना पर्पस है, कुछ करना लाइफ में, और करते करते बस मिट्टी से निकले, मिट्टी में मिल जाना है। 6 फुट का मैं इंसान हूँ, 7 फुट का गड्ढा खोदेगा, 4 फुट चौड़ा, 7 फुट लंबा, और उसी के अंदर चले जाना है। तो जैसे हम कारगिल पहुंचने पर होते हैं तो बैरन माउंटेन दिखता है, नदी के किनारे ही बस पेड़ है, बाकी पत्थर, कहीं कहीं थोड़ा सा झाड़ी झंकार है, राइट है थोड़ा सा, और पूरे पहाड़ ऊपर देखो थोड़ा सूखा है, कितना ज़्यादा सूखा एरिया है, और ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ बहुत कम होता है। 5 किलोमीटर यहाँ से कारगिल, तो ये 2 रिवर है, एक तो हम द्रास से और इधर जो आया श्रीनगर से होते हुए, तो ये रिवर एक होता है, और दूसरा ये जो गंदा सा दिख रहा है ये आ रहा है, ये सुरू रिवर है, जंस्कार इसमें ऐड होता है शायद, नहीं ये सुरू रिवर है, वो अलग है। तो ये दोनों आके यहाँ मिलता है संगम में, और ये क्या है पाकिस्तान की ओर। यहाँ से बॉर्डर लगभग 10 किलोमीटर है, और वहाँ से ये टारगेट करते थे, यहाँ पर भी एक पीछे में रिकॉर्ड नहीं किया हूँ मैं, मोबाइल बंद हो जा रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा क्यों, तो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो वो लोग वहाँ से इस हाईवे को ना, इस हाईवे को जो कारगिल के लिए जाता है, इसको टारगेट करते थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ वॉल बनाया। द्रास में भी उधर है जो टाइगर हिल से उन लोग टारगेट करते थे, और इधर है जो हुंदरमन ऊपर जो है वहाँ से टारगेट करते थे। ये पानी गंदा दिखेगा अब आपको, जो सुरू रिवर है ये गंदा ही आता है, बस विंटर में साफ सुथरा होता है, तो बाकी समय गंदा रहता है। ये सिलिक्चे पूरा एरिया है, एप्रिकॉट का यहाँ बहुत ज़्यादा फार्मिंग होता है, बहुत अच्छा एप्रिकॉट होता है, यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो ये सप्लाई करते हैं बाहर दुबई में जाता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनका जिनसे मेरा कॉन्टेक्ट है, तो उन्होंने बताया था कि वो यहाँ नहीं सेल करते हैं, वो दुबई भेजते हैं, और बड़े बड़े साइज़ के एप्रिकॉट होते हैं, मीठा बहुत ही अच्छा, मैंने खाया है सूखा वाला खाया है, सॉफ्ट स्मूथ, मतलब खाओ तो मुंह में पिघल जाए ऐसा। यहाँ रहने वालों के लिए भी है, सबको एंट्री है, अच्छा, आप लोकल है? मैं यही रहता हूँ, लोकल तो नहीं हूँ लेकिन लोकल बन गया हूँ, मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। सर जी आशीष, कारगिल, ठीक, शुक्रिया। हाँ, तो लोकल हो चाहे आउटसाइडर हो, सबको यहाँ पर एंट्री करवाना है, जो भी श्रीनगर से आ रहे हैं। मार्केट जाना है तो इधर पार्क करना है और जाना है, वैसे बीच में यहाँ से एक रास्ता जाता है, तो पार्किंग पेड पार्किंग है वहाँ पर, यह है फातिमा चौक, तो वन वे है उधर जाने का, इधर से आने का, अगर इधर से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड ही जाना, राइट साइड मत जाना,
हालांकि लिखा हुआ है वहाँ, लेकिन नए लोग तो समझ में नहीं आता, नहीं तो छोटे से जगह में वन वे वाला सिस्टम है। कारगिल से कहीं भी जाना है तो ये बस स्टैंड है, बस यहाँ से मिलती है। जाते वक्त उस पहाड़ में पूरा बर्फ था, सामने वाला वो टॉप में अभी दिख रहा है, कोई फ्रेश गिरा होगा या मेल्ट नहीं हुआ है अभी तक। मैं जाऊंगा ऊपर से, वो पहुंच गया, बस कुछ कदम और। लो भैया हम तो पहुंच गए, थोड़ा यहाँ रखता हूँ और उसके बाद पहले तो मैं कारगिल पहुंच गया हूँ, अपने मकान के बाहर हूँ। अब रूम गेट में ताला लगा है तो बाइक अंदर नहीं रख सकता, अभी बाइक अभी बाहर ही रखूँगा। एनीवे अच्छा रहा, काफ़ी टाइम लिया आज, लेकिन फिर भी मज़ा आया, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, राइड करने में भी मज़ा आ गया। कुछ कुछ हैं इश्यूज़ जो शॉर्ट आउट करना है, ख़ासतौर से रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड होते होते अचानक बंद हो जाता था और बहुत सारा बहुत अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बताया एक्सप्लेन किया रिकॉर्ड नहीं हुआ, तब एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। एनीवे यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने रूम पे, सामान निकालता हूँ और रूम में जाता हूँ। 2 महीने के बाद रिटर्न हुआ, क्या होगा रूम का हाल मालूम नहीं, धूल इधर उधर मकड़ी कुछ ना कुछ चूहे पसना हो। एनीवे बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे जल्दी किसी और सफ़र पर, किसी और राइड पर। बाय।